बीजेपी ने एक और जंबो लिस्ट जारी कर दिया 58 नामों की। ये जो लिस्ट जारी की है इसमें कई सवालों के जवाब साफ साफ दिए गए हैं, तो कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीटों को फाइनल किया गया है, कुछ नाम ऐसे थे जो चर्चाओं में जरूर थे लेकिन उनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन हवा महल से बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए। बाल मुकुंदाचार्य जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए उनको जोड़ेंगे वापस, लेकिन दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बीजेपी की लिस्ट वैसे तो पूरी तैयारी कर रही है कि कांग्रेस की चारों तरफ से मोर्चाबंदी करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि संत समाज से राजस्थान में कांग्रेस को बांधने की तैयारी की जा रही है। हर एक संभाग में एक संत को बीजेपी ने शामिल किया और शायद उसके जरिए एक हिंदुत्व का कार्ड खेलने की तैयारी की जा रही है। वापस उनको जोड़ेंगे, लेकिन योगेश जी यही सवाल आपसे है। शेखावाटी में बीजेपी के पास एक संत है, ढूंढाड़ में एक संत हो गए हैं, इसके अलावा मेवात बेल्ट के अंदर एक संत हो गए हैं, उधर आप आ जाइए मारवाड़ के अंदर एक संत हो गए हैं। क्या वाकई में बीजेपी हिंदुत्व के कार्ड के साथ हमेशा रही है, लेकिन क्या अब जो संत समाज है उसके जरिए राजनीति में हस्तक्षेप और उसके जरिए जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको सियासी तौर पर पार्टी के साथ जोड़ने की एक अलग रणनीति पर काम कर रही है? देखिए, अच्छा है, ऐसे बड़े टिकट थे जो बीजेपी का मुस्लिम तबका जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो मांग रहा था बड़े टिकट, चाहे वो शेखावाटी में एक टिकट मांग रहे थे, झुंझुनू जिले में एक टिकट मांग रहे थे, सीकर में एक टिकट मांग रहे थे, एक टिकट वो जयपुर में मांग रहे थे, कामा से मांग रहे थे, नागौर से टिकट मांग रहे थे और लाडपुरा कोटा से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। मतलब ये तय है कि पॉलिसी बन गई कि बीजेपी में किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं मिलेगा। पिछली बार एक टिकट अदद टिकट यूनुस खान को मिला था बहुत आखिरी वक्त पर जाकर, वो भी सचिन पायलट के सामने, तो उनका चुनाव हारना हुआ तय था क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। जी योगेश जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ, अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ अपडेट अदिति के पास है। अदिति जरा बताइए क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है, क्योंकि लिस्टों को लेकर मंथन हम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को संत समाज के जरिए राजस्थान के अंदर मोर्चाबंदी के लिए तैयार किया है। अभी योगेश जी कह रहे थे कि यह तय हो चुका है कि मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसमें ना ऐसा नहीं है, संघ के कुछ नेता जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप मुस्लिम मंचों को जोड़िए, तो एक बड़ा सवाल वहीं उठता है कि कायम खानी जो मुस्लिम है जो 7-8 सीटों को इम्पैक्ट करते हैं। और विजेंद्र जी, सबसे रोचक बात यह है कि एक तरफ तो या तो यूनुस खान थे उस सीट पर जी, या फिर ओमदास महाराज थे, ओमदास महाराज की कोशिश की गई थी और ये दावा किया गया था एक खेमे की तरफ से कि अगर डीडवाना से यूनुस खान को टिकट मिलती है तो एक नहीं 4 सीटें वो निकलवा के लाएंगे, जिसमें नागौर भी है और जिसमें ज्योति मिर्धा को मदद भी मिलती। तो बहुत ज्यादा समीकरण थे शेखावटी, सीकर, यहाँ तक कि जयपुर के सीट को लेकर। जैसे एक खेमा ये मान रहा है कि अगर अशोक परनामी को टिकट दी जाती है तो जयपुर की दूसरी सीटें निकलने में आसानी रहेगी। तो अब आप देखें कि कुछ दिन पहले तिजारा से बाव बालकनाथ, फिर आज जयपुर से, तो जो आपने संतों का जिक्र किया, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो उनकी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है, वही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। और अब दो बातें हैं, एक जाट और एक मुसलमान। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान रही है कि जाट और मुसलमान, जैसे डॉक्टर राम प्रताप का कटने के बाद टिकट, कांग्रेस इस बात पे आश्वस्त है कि एक तो मुस्लिम पूरा का पूरा और दूसरा जाट, ये मदद देने वाला है। अच्छा, ये सारी सीटें बहुत रोचक हो गई हैं और इन वही वाली बात है कि ये सारी सीटें पर सीट के हिसाब से, ये पूरा चुनाव पर सीट के हिसाब से इंटरेस्टिंग हो गया है। और एक और बात, ये जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक तो अपडेट यही कि कांग्रेस की एक सूची जल्द आ सकती है, मलिंगा के चक्कर में वो सूची कल रात से अटकी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीट में भी नए भी हैं, बागी भी हैं, जो पिछली बार बागी थे, हम बसेड़ी का जिक्र कर रहे हैं, पिछली बार बागी थे, 18,500 वोट आई थी और उसके अलावा उनकी वजह से कांग्रेस का वहां पर जो विधायक था, चुनाव था, वो जीता, कांग्रेस जीत गई थी। इस बार ये तर्क किया गया
कि भाई ये जो बागी भी है इनको चुनाव जिताना, और इन्हीं के समाज कोली समाज के लोग इन पर विरोध कर चुके हैं, इनको नहीं देना चाहिए। ये खींचतान रही, इसीलिए बसेड़ी पर खींचतान रही, राजाखेड़ा भी अभी होल्ड है, और इसके अलावा ये धौलपुर की सीटों पर भी तमाम खींचतान होने के बाद इन्हीं को टिकट दी गई। पूनम कंवर भाटी कोलायत, योगेश जी बहुत बेहतर तरीके समझते हैं, भंवर सिंह भाटी ही जिताऊ थे और ये बात अंदर चर्चा भी हुई। फिर एक खेमा नहीं दूसरा खेमा हावी हुआ, दूसरे खेमे ने इस बात को कहा कि इस बार युवा और महिला को उतारना चाहिए और पूनम कंवर भाटी को उतारा जा रहा, क्योंकि कांग्रेस ने भी पहले पुत्रवधु को देने की बात की थी, लेकिन भंवर सिंह भाटी चाहते थे कि वो खुद लड़े या उनका पोता लड़े। इस तरह की तमाम बातें थी और कई सारी ऐसी सीटें हैं। अब सवाल, जैसा मैं आपको कह रही थी विजेंद्र, मैसेज भले ये है कि आला कमान की चली, चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में, पर सही मायने में जो रीजनल नेता है ना उनकी चली। कांग्रेस में सचिन पायलट ने अपने इलाके में, सीपी जोशी ने अपने इलाके में चलाई, अशोक गहलोत ने अपने इलाके में चलाई, सभी नेताओं ने अपने अपने, यानी कि सचिवों की भी बात को क्रॉस करके वहां पर चीजें तय की गई। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी वसुंधरा राजे जी झालावाड़ और कोटा का कुछ इलाका, और कोटा अब आने वाली है और बहुत ज्यादा खबर के साथ तूफान भी आएगा, बहुत सारी चीजें वहां पर ओम बिरला जी के अकॉर्डिंग हुई, पर बहुत सारी चीजें अब एंड मोमेंट पे वसुंधरा जी के अकॉर्डिंग हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, अशोक गहलोत के सामने वो किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते थे लेकिन राजेंद्र राठौड़ की चली, फिर भी नेताओं ने अपनी चलाई। कई बार ये देखकर कहा जा सकता है कि जिताऊ उम्मीदवारी के ऊपर जाकर अपने कैंडिडेट को उतारा गया जिसकी शायद श्योरिटी नहीं थी कि वो जीतेगा या नहीं जीत पाएगा। तो शायद आप बिटवीन द लाइन समझ गए विजेंद्र कि यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश रही बजाय के जिताओ उम्मीदवार उतारने की। अच्छा, यानी एक तरफ ये 25 सितंबर का साइड इफेक्ट भी हो सकता है दोनों पार्टियों में कि भाई कभी अपनी ताकत दिखानी हो तो पता तो हो कि पीछे कितने खड़े हैं पार्टी से इतर व्यक्ति के साथ। देखिए राजनीति में ये तो हमेशा से है और कई पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने तो पोस्ट चुनाव क्या हालात रहेंगे, उस समय क्या जरूरत रहेगी, जैसे 25 सितंबर जैसी कोई हालात रही तो कौन कौन साथ है, उसमें निर्दलीय भी हैं क्या है, पूरी रणनीति पूरी चीजें तय कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि इस समय जरूरत यह है दोनों ही पार्टियों के लिए कि जिताऊ उम्मीदवार कितने हों, कौन जिता सकता है। तो अंता में भी ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां खींचतान हुई। जी बिल्कुल अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा।